हेलो एवरी वन हाउ आर यू गाइज एंड यस वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पपाया फेशियल एट होम तो मैंने रिसेंटली ना फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था अपने लिए न्यूट्री ग्लो का पपाया फेशियल एट होम जो कि एडवांस प्रो फार्मूला है एंड ये आपको सिक्स स्टेप्स देता है जिसे आप इजीली अपने घर पर ना यूज़ कर सकते हो इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना गाइस वो ये है कि ये पैराबिन एंड केमिकल फ्री है यह आपके ना डर्ट पोर्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगा प्लस अगर आपको ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशंस है स्कार्स है ओपन पोर्स है तो उसे बहुत अच्छे से ये रिड्यूस करता है आपके पोर्स को ये बहुत अच्छे से क्लीन करेगा सो so, इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके से आती है छोटा सा एक किट है जो आपको 150 का पड़ेगा एंड ये आपको फ्लिपकार्ट ढेर सारा डिस्काउंट भी मिल जाता है इसके ऊपर सो so, कुछ छोटे छोटे शैसे में आते हैं सिक्स स्टेप्स इसके क्लेंजर स्क्रब हाइड्रेटिंग जेल फिर आपका मिलेगा इसमें नरिशिंग क्रीम लाइक नरिशिंग क्रीम मास्क फिर आपको आ जाता है इसमें स्किन टाइटनिंग मास्क एंड रॉयल टच सीरम तो चलो अब इसे यूज करते हैं पहले आप अपने स्किन को ना अच्छे से टावल की हेल्प से क्लियर कर लो ताकि कोई डर्ट ना रहे फिर हमारा जो क्लेंज़र है उसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है लाइक फाइव टू सिक्स मिनट्स के लिए ना इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसाज करना है आपके फेस पे ताकि आपके जितने भी डॉट्स हैं वो क्लियर हो जाइए बहुत ही अच्छा स्मेल करता है एंड जब आप इसे यूज़ करोगे ना आपको हल्का सा एक स्किन पर ना जलन महसूस होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ पपाया की वजह से होता है इससे क्या होगा ना कि आपके जितने भी स्कार्स हैं इनफैक्ट ब्लैमिश हैं प्लस आपके जो ओपन पोर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से रिड्यूज़ होगा प्लस क्लियर हो जाता है फिर इसे आप फाइव मिनट्स तक के लिए अच्छे से मसाज करो अपने फेस पे जो बचे खुचे रहे ना क्रीम उसे आप अपने हाथ पे नेक पे पैरों पे, पे जहाँ पे भी लगे कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है अप्लाई कर सकते हो उसके बाद आप इसे टावल से पोछ लो एंड गाइज़ आप ना क्लेंजर यूज़ करने के बाद ही इफेक्ट देख सकते हो कितना कि ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा आपके फेस पे तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है ना गाइज वो है स्क्रबिंग तो हम पूरा मैं पूरा पैकेट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आप थोड़ा थोड़ा भी यूज कर सकते हो पूरे पैकेट को आप यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे से फेशियल हो जाता है घर पे ही पूरे फेस पे अपने स्क्रब को ना अप्लाई कर लो अच्छे से अप्लाई कर लो एंड बहुत ही जेंटली स्क्रब करना ज़्यादा मत होना अपने स्किन के साथ अदरवाइज आप अपने आप को हर्ट करोगे आपकी स्किन जो है रफ़ हो जाएगी एंड ना स्कार्स पड़ जाते हैं अगर रफ़ हो जाते स्किन तो बचे खुचे अपने हाथों पर लगा लो आराम से इसे ना एक अच्छा सा स्क्रब करो फेस पे अच्छा सा मसाज दो फाइव टू तो सिक्स मिनट्स के लिए ताकि आपके जितने भी क्लोज पोर्स होंगे ना वो अच्छे से ओपन हो जाएंगे एंड जितनी भी क्रीम की या फिर स्क्रब की गुडनेस होगी ना वो अच्छे से आपके स्किन को मिलेंगी अच्छे से इसे हल्की सी पानी दे करके कुछ भी लाइक आपके पास अगर रोज़ वाटर हो ना आप उसे भी यूज़ करके स्क्रब कर सकते हो ताकि आपका स्क्रब ना टाइट ना हो या फिर ड्राई ना हो बहुत अच्छे से स्क्रब करो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी ब्लमिसज हैं डर्ट है ना नोज़ के ऊपर या फिर पूरे स्किन में वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाता है गाइस एंड एक बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन आपको देगा जब आप अच्छे से इसे स्क्रब कर लोगे फिर आपको क्या करना है ना अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना एंड इसे वॉश कर लो एंड देखो स्क्रबिंग के बाद कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है दो स्टेप्स के बाद ही कितना अच्छा ग्लो आ गया ना चेहरे पे सो so, अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है हाइड्रेटिंग जेल ये एक जेल है लेग जेल फॉर्म में आ रहा था जिसे जिसको ना आपको अपने स्किन पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए मसाज करना है इसकी क्वांटिटी आप अच्छा ले सकते हो लाइक पूरे पैकेट को यूज़ कर लो वो ज़्यादा बेटर रहेगा पूरे स्किन पे आप अपने पूरे फेस पे लगा लो जो बचा खुचा रहे आप अपने नेक पर अप्लाई कर सकते हो पूरे बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है अच्छे से फर अच्छे से पूरे फेस पे हैंड्स पे अप्लाई करने के बाद इसे 15 टू 16 मिनट्स के लिए लाइक like 20 मिनट्स के लिए भी आप अपने पूरे फेस पे इसे मसाज करना मसाज करने के बाद आपको एक अच्छा सा ग्लो दिखेगा आपके फेस के ऊपर पूरे फेस को ना सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है ताकि आपके जितने भी पोर्ट्स है वो ओपन हो जाए ब्लेमिस भी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है इसके बाद एंड अपने आईज के ऊपर भी आप इसे आँख बंद करके अप्लाई कर सकते हो एंड उसके बाद 15 टू 20 मिनट्स के बाद इसे वॉश कर लो एंड अब थ्री स्टेप्स के बाद ही देखो कि कितना अच्छा ग्लो मिला है फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है गाइस नरिसिंग क्रीम जो एक फेस मास्क है जिसे आपको अपने स्किन पे लाइक अपने फेस पे लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा वाटर की हेल्प से लाइक थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के ना आपको इसे अपने स्किन को अच्छे से मसाज देना है लाइक जैसे हमें पार्लर में दिया जाता है ना एक नरिशिंग क्रीम लगाने के बाद 15 टू 16 मिनट्स का एक प्रॉपर मसाज मिलता है हमें सिमिलरली आपको अपने इस मसाज नरिशिंग क्रीम के साथ करना है पूरे फेस पे इसे लगा लो अच्छे से थोड़ा थोड़ा वाटर की हेल्प से इसे 15 टू 16 मिनट्स के लिए एक अच्छा सा मसाज दो अपने फेस को उससे क्या होगा ना कि आपका फेस ग्लो करेगा एंड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रेगुलेट होता है एंड इससे आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग दिखेंगी एंड मैं कुछ इस तरीके से अपने फेस को मसाज कर रही थी थोड़े बहुत ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो ये वाला एंड जब 15 टू 20 मिनट्स हो जाए मसाज के बाद उसे आप अच्छे से वॉश कर लो एंड लुक एट द ग्लो गाइस ये मेरा एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं नरिशिंग क्रीम यूज करने के बाद ना अपने ब्लैकेट्स रिमूव करती हूँ ब्लैकेट रिमूवर टूल से ब्लैक हेड रिमूवल टूल से ना मैं अपने ब्लैक हेड्स को अच्छे से रिमूव करती हूँ मुझे ये स्टेप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इससे क्या होता है ना कि जितने भी डॉट्स होती हैं ना वो निकल जाती हैं जितने भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं ना ये थोड़ी लाइट इशूज़ की वजह से दिखा नहीं होगा बट बहुत ज़्यादा ही मुझे ब्लैक हेड्स देगा इस तो आप ये स्टेप ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है आप अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो और नहीं चाहो तो मत करना बट या इसके बाद इफेक्ट बहुत अच्छा आता है एंड प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे करना नहीं तो ये थोड़ा सा पेनफुल होता है हमारा जो फिफ्थ स्टेप है ना वो है स्किन टाइटनिंग मास्क जिसे लगा करके आपको छोड़ देना है 15 टू 20 मिनट्स के लिए पूरी जो हो होना उस सैशे में जितना क्रीम uh, आपको दिया गया हो आप उसे पूरा अप्लाई कर लेना फेस पे और अपने नेक पे एंड जो भी बचा खुचा हो वह हाथ वाथ पे लगा लेना एंड पूरे फेस को ना आपको अच्छे से कवर करना है बिकॉज हमने जितना टाइम मसाज किया ना हमारे फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि हमारे जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं एंड उसे क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अदरवाइज उसमें डर्ट एंटर होता है एंड हमारे ब्लैक हेड्स ब्लैक एंड वाइट बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं सो so, पूरे पैकेट को आपको ना यूज़ करना है आप जब इसे अप्लाई करोगे ना तो आपके फेस पे एक थोड़ी सी झंझनाहट आपको महसूस होगी लाइक एक हल्का सा जलन महसूस होगा सो so, उसमें आपको डरना नहीं है फिर घबराना नहीं है वो हर एक क्रीम लगाने के बाद लाइक हर एक फेशियल के टाइम पे होता है एंड प्लीज़ ये वाला यूज़ करने से पहले आप एक दिन पहले एक एलर्जी टेस्ट कर लेना थोड़ा सा कोई भी क्रीम लगा करके उसके बाद आप इस फेशियल को कर सकते हो घर पे सो ये 15 टू 20 मिनट्स का स्किन टाइटनिंग मास्क है जिसको लगा करके आपको 15 से 20 मिनट छोड़ देना है पूरा इसे ड्राई मत होने देना जब 15 टू 16 मिनट्स के लिए ड्राई हो जाए उसके बाद आपको अपने चेहरे को ना पोच लेना है ठंडे पानी की हेल्प से लाइक टावल की हेल्प से आप इसे पोछ लोगे एंड जब आप पोचोगे ना आपको उसी टाइम दिखेगा कि आपका फेस कितना ग्लो कर रहा है आपके पोर्स जो होंगे ना वो क्लोज हो गए होंगे सो so, आप देख सकते हो मैं आप लोगों के सामने ही अपने फेस को क्लियर कर रही हूँ मेरा बहुत ज़्यादा जो है ब्लेमिसेज डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन एक हद तक रिड्यूस हो गया है गाइस ट्रस्ट मी ये फेशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा सो so, हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है ये सिरम जिसे आपको क्या करना है ना लगा करके छोड़ देना है फ़ाइव टू तो सिक्स मिनट्स के लिए मसाज दो उसके बाद ऐसे ही छोड़ दो एंड उसके बाद आप देखोगे ग्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो देता है गाइज़ ये फेशियल एंड आपके पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स एंड ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स सब रिमूव करेगा एंड आप देख सकते हो कि सिक्स स्टेप्स के बाद बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है फेस पे आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना देन प्लीज़ 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 प्लीज एक लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना ताकि मैं इस तरीके की बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आऊँ सो यस गाइज ये थी सिक्स टेप फेशियल एट होम आई होप आप लोगों को अच्छी लगी इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो टाटा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में